Good morning, students. I am Sonia Saini, your SS teacher, and today we will study our fifth chapter in history, class 8, and the chapter name is When People Rebel, 1857 and After. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जो उस टाइम जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में रूल कर रही थी, तो लोगों ने 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी, ये क्यों हुई थी, इतना बड़ा विद्रोह हुआ था ये, इसके पीछे रीज़न क्या था. तो आज के चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आइए जानते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है पॉलिसीज एंड द पीपल. ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी जिससे हर तरह के लोगों पर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ रहा था. तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नवाब लूज देयर पावर. जो राजा महाराजाज थे वो भी धीरे धीरे अपनी पावर खोते जा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी जिन्हें हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया है, चाहे वो सब्सिडरी अलायंस हो या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो. नेक्स्ट है द पीजेंट्स एंड द सिपॉयज. और जो छोटे फार्मर्स थे, सिपॉयज थे, वो भी ब्रिटिशर्स की इन पॉलिसीज से, इन लॉज से काफ़ी नाराज़ थे, तो वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे और उन्होंने भी इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया. रिस्पॉन्सेज टू द रिफॉर्म्स. अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, हमारे इंडियन कल्चर में जो पुराने सिस्टम में जो प्रथाएं चली आ रही थी उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे थे, जिससे समाज के कुछ वर्ग के लोगों ने काफ़ी अपोज किया, तो उन्होंने भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया. अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन. म्यूटिनी क्या होता है, जो सोल्जर्स होते हैं जब वो अपने बड़े ऑफिसर की बात मानने से इनकार कर देते हैं और विद्रोह करते हैं, उसे म्यूटिनी कहते हैं. अब इन्होंने जो रिबेल किया था, जो रिबेलियन हुआ था, वो कैसे हुआ था, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली. वो मेरठ से दिल्ली के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या प्रोसेस था, कैसे फैला वहाँ पे. द रिबेलियन स्प्रेड. जब ये विद्रोह फैलता है तो देश के अलग अलग हिस्सों में उसका क्या इम्पैक्ट होता है. द कंपनी फाइट्स बैक. अब जब हर जगह से कंपनी के अगेंस्ट ये रिवोल्ट हो रहे थे, लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे अपने अपने लेवल पे, तब कंपनी ने क्या पलटवार किया, इसमें हम उसे डिस्कस करेंगे. आफ्टरमैथ. अब इतना सब कुछ होने के बाद लोगों ने भी रिवोल्ट कर लिया, अपना विद्रोह किया, कंपनी ने भी फाइट बैक किया, तब लास्ट में क्या पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, हम उन्हें डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, पॉलिसीज एंड द पीपल. द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी वर अफेक्टिंग किंग, क्वींस, पीजेंट्स एंड द सिपॉयज. ब्रिटिशर्स जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी कंपनी की ऐसी ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी उन्होंने, जिससे चाहे वो किंग हो, क्वींस हो, पीजेंट्स हो, सिपॉयज हो, हर कोई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, उनसे नाराज था, क्योंकि जो किंग्स थे उनकी टेरिटरी छीनी जा रही थी, पीजेंट्स थे उनसे हाई टैक्सेस पे किए करवाए जा रहे थे, और जो सिपॉयज थे इनके रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे थे. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले नवाब्स लूज देयर पावर. द पावर एंड द अथॉरिटी ऑफ इंडियन किंग्स स्टार्टेड डेटरियोरेटिंग ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स, सच एज अपॉइंटिंग ऑफ रेजिडेंट्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. अब जो पावर थी और जो अथॉरिटी थी इंडियन किंग्स की, जो नवाब थे, राजा महाराजा थे, वो धीरे धीरे खोती क्यों जा रही थी, कम क्यों होती जा रही थी, वो इसलिए होती जा रही थी क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी. सबसे पहले इन्होंने पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी सब्सिडरी अलायंस. सब्सिडरी अलायंस में इन्होंने क्या किया था, जो इंग्लिश रेजिडेंट होते थे इन्होंने ये उन्हें जो इंडियन किंग्स थे उनकी रूलर में, उनकी टेरिटरी में अपॉइंट कर देते थे, और वो इन पर नज़र रखता था कि जो इंडियन किंग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, और इंडियन किंग्स को उन्हें फॉलो करना होता था. और अगर कोई इनकी बात नहीं मानता तो इस सब्सिडरी अलायंस के तहत ये उसके हाफ एरिया को अपने कंट्रोल में कर लेते. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. इसे इंट्रोड्यूस करने के पीछे रीज़न क्या था, कि जिन राजा जो किंग्स हैं उनके बेटे नहीं हैं बाद में वारिस बनने के लिए उनकी डेथ के बाद, तो उन टेरिटरी को, पर्टिकुलर राज्य को ये अपने कंट्रोल में ले लेते थे. नेक्स्ट है इसी में क्वीन ऑफ झांसी एंड नाना साहेब ट्राइड टू प्रसुएट द ब्रिटिशर्स फॉर नॉट अनेक्सिंग देयर टेरिटरी. क्वीन ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई की हम बात करेंगे, कि इन्होंने भी अपने बेटे को गोद लिया था और ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स से
कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इनकी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ना ले, तो इन्होंने भी ब्रिटिशर से बात करने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम ब्रिटिशर्स अपनी पावर और सुप्रीमेसी में इतने बिजी थे, उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी। नाना साहेब कौन थे? पेशवा बाजीराव सेकंड के बेटे थे ये। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इनकी फादर की जो पेंशन आ रही है उनकी डेथ के बाद वो इनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनकी ये बात मानने से भी इनकार कर दिया। तो अब ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो मुगल रूलर्स थे उस टाइम क्या होता था, कंपनी जो भी कॉइन मिंट करती थी, बनाती थी, उस पर मुगल रूलर्स के नाम लिखे होते थे, उनकी पिक्चर्स होती थी, इस तरह से होता था। और कंपनी अब इतनी पावर में आ गई थी कि उन्होंने अब मुगल रूलर का उन पर से निशान भी मिटा दिया। नेक्स्ट है पीजेंट्स एंड द सिपॉयज। अब इसमें हम देखेंगे कि जो पीजेंट्स थे और जो सिपॉयज थे उन पर क्या इफेक्ट हुआ था। पीजेंट्स वर बर्डन विद हैवी टैक्सेस। जो पीजेंट्स थे उन पर इतने ज़्यादा अमाउंट की टैक्स लगा दी थी, इतने हाई रेट के टैक्स लगा दिए थे कि वो अपने आप को बर्डन फील करते थे, दबा हुआ महसूस करते थे। लैंड्स वर टेकन अवे फ्रॉम दैम ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। और जब कभी वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो उनसे उनकी लैंड छीन ली जाती थी। इसी में नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम सिपॉयज के बारे में पढ़ेंगे। सिपॉयज वर अनहैप्पी विद देयर सैलरी एंड अलाउंस। उन्हें जो भी अमाउंट मिलती थी एज अ सैलरी और अलाउंस ब्रिटिशर से, ये उससे हैप्पी नहीं थे, क्योंकि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे आर्मी में उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलती थी और इंडियन जो सिपॉयज थे इन्हें कम सैलरी मिलती थी। सिपॉयज वर फोर्स्ड टू फॉलो द रूल्स विच वर अगेंस्ट देयर रिलीजियस बिलीव्स। और जो सिपॉयज होते थे इन्हें इस तरह के रूल बना दिए जाते थे कि इन्हें उन रूल्स को फॉलो करना है जो कि इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते थे, उनके अगेंस्ट होते थे। 1824 की बात है, उस टाइम कंपनी ने इन्हें ऑर्डर दिया सिपॉयज को कि बर्मा के अगेंस्ट हमें फ़ाइट करनी है, तो आप सबको सी रूट से होते हुए फ़ाइट करने के लिए जाना होगा। तो उस टाइम लोग क्या मानते थे, उस टाइम लोग ऐसा मानते थे कि जो सी रूट क्रॉस करके जाएगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मीन्स वो अपने रिलीजन को वॉयलेट करेगा, तो इस वजह से सिपॉयज ने वहाँ जाने से मना कर दिया। तो जिसके बदले में अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी गुस्सा हो गई और उन्होंने उन्हें बहुत बुरी तरह पनिश किया। और 1856 में कंपनी ने एक ऐसा रूल पास किया कि अब सभी को, अगर आर्मी में रहना है जिन भी सिपॉयज को, उन्हें ये रूल मानने होंगे। अगर सी रूट के थ्रू जाना पड़ेगा तो कभी वो सी रूट के थ्रू भी जाएंगे। और कुछ सिपॉयज ऐसे थे जो पहले विलेज से बिलोंग करते थे और फिर अब वो सिपॉयज बन गए, पहले पीजेंट्स थे, तो अब जिससे वो अच्छी तरह से जानते थे कि ब्रिटिशर्स की इंटेंशंस क्या है, तो उनमें भी काफ़ी विद्रोह की भावना थी। इसी में नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स। अब जो रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स ने बनाई उनके प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। ब्रिटिशर्स प्रोहिबिटेड सती एंड पास्ट विडो रीमैरिज। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो सती प्रथा थी हमारे इंडियंस की पुराने ज़माने में, उसे बैन कर दिया और एक नया लॉ पास किया कि जो विधवा है वो पुनर्विवाह कर सकती हैं। आफ्टर 1830 क्रिश्चियन मिशनरीज पुट ऑन लैंड इन इंडिया। और एक ऐसा रूल बना दिया कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी जो बाहर से आकर के हमारी कंट्री में रह रही थी, कि वो अपने कि वो हमारी इंडिया की लैंड पर अपना अधिकार जमा लेंगे, वो उनकी लैंड हो जाएगी। मैनी इंडियंस स्टार्टेड बिलीविंग दैट ब्रिटिशर्स वर डिस्ट्रॉइंग देयर कल्चर। तो अब इन्होंने इतनी सारी चीज़ें कर दी, सती प्रथा बंद कर दी, विडो रीमैरिज एक्ट पास कर दिया, और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो आ रहे थे, वो लोगों को क्रिश्चियन धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में प्रमोट कर रहे थे, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, तो जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश आ गया था, काफ़ी गुस्सा भी थे वो ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो हमारा बेसिक कल्चर है इंडिया का, ये उसे डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। इसमें हम डिस्कस करेंगे, अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस डेवलप अ फीलिंग दैट दे हैड अ कॉमन एनिमी एंड दे शुड रिबेल अगेंस्ट दैम, सो अ म्यूटिनी वॉज फेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1857। तो अब हर तरह के लोग परेशान थे, चाहे वो सिपाही हो, फार्मर हो, राजा हो, महाराजा हो,
नवाब्स हों, मुगल एम्परर से हों, तो सबने क्या सोचा कि सबने सोचा कि हमारा एनिमी एक ही है, तो हमें अब इकट्ठा होकर के उनके अगेंस्ट रिबेल करनी चाहिए। तो इसी तरह से एक बड़ा विद्रोह ब्रिटिशर्स के सामने आया 1857 में। तो अब ये जो सिपोई की म्यूटिनी थी ये कैसे स्टार्ट हुई थी, बात है 29 मार्च 1857 की, जब सोल्जर मंगल पांडे को फांसी की सज़ा सुना दी गई। इन्हें फांसी की सज़ा क्यों सुनाई गई थी, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर थे जो इनके उन पर अटैक किया था, बैरकपुर की बात है, तो जिससे इनको सज़ा मिली कि इन्हें डेथ की सज़ा सुना दी गई, इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। तो जिसके बदले में सिपॉयज एट मेरिट रिफ्यूज टू यूज़ द फैट ग्रीस कार्टेजेस, सो 85 सिपॉयज वर सेंटेंस टू 10 ईयर्स जेल और 9 मई 1857। एक तो ये इंसिडेंट हुआ, इसके बाद दूसरा इंसिडेंट ये हुआ, इसमें क्या हुआ, जो सिपॉयज थे उन्होंने फैट ग्रीस कार्टेजेस यूज़ करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स थे वो हर्ट हो रहे थे, तो जिसके चलते उन्होंने 85 सिपॉयज को जेल में 10 साल की जेल की सज़ा सुना दी। तो इसके बाद ऑन 10 मई द सोल्जर्स म्यूटिनेड एंड रिलीज द इम्प्रिजन्ड सिपॉयज, वो सोल्जर इकट्ठा हुए, उन्होंने विद्रोह किया और जिस जेल में इन 85 सिपॉयज को रखा हुआ था वहाँ पर अटैक किया, इन्हें छुड़ाया एंड दे डिक्लेयर्ड ए वॉर अगेंस्ट द फिरंगीज, फिरंगी मीन्स जो ब्रिटिशर्स हैं उनके अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर कर दी। तो इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं हम, मंगल पांडे थे, इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई एक तरफ तो, और दूसरी तरफ जिन सिपॉयज ने फैट ग्रीस कार्टेज यूज़ करने से मना कर दिया उन्हें 10 साल की जेल की सज़ा सुना दी। तो जिसके बदले में जो सिपॉयज थे उन्होंने विद्रोह किया और जेल पे अटैक करके वहाँ से उन्हें जो भी वेपन्स मिले उन्होंने सब उठा लिए उसे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, अब ये मेरठ से दिल्ली कैसे हुई है रिवोल्ट, सिपॉयज गैदर्ड एट रेड फोर्ट, वहाँ से जब उन्होंने जेल पे अटैक किया, सिपॉयज को रिहा करवाया, तो वो सब अब रेड फोर्ट में आके इकट्ठा हो गए एंड प्रोक्लेम द बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर, और उन्होंने सोचा कि अब हमें एक लीडर की ज़रूरत है, तो उन्होंने बहादुर शाह को अपना लीडर बनाने के बारे में सोचा। इनिशियली द एजिंग एम्परर वॉज नॉट रेडी टू बी द पार्ट ऑफ दिस रिवेलियन बट फाइनली ही एक्सेप्टेड दिस, अब बहादुर शाह जफर थे उनकी काफ़ी एज हो चुकी थी, तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने इस रिबेल में पार्ट बनने से मना कर दिया, लेकिन लास्ट में जब उन्होंने सबने काफ़ी इंसिस्ट किया तो लास्ट में ये एग्री हो गए। ही रोट लेटर्स टू वेरियस किंग्स टू ऑर्गेनाइज ए कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट टू फाइट द ब्रिटिशर्स, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सभी किंग्स को लेटर्स राइट किए और उन सबको कहा कि अब हमें इकट्ठा होकर के सबको एक होकर के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करनी चाहिए। मैनी किंग्स एंड लोकल लीडर्स ज्वाइंड हिम, बहुत सारे जो राजाज थे और जो लोकल लीडर्स थे सब ने उनकी बात मानी और इस रिबेल में कूद पड़े और इसे ज्वाइन कर लिया। इसके पीछे एक रीज़न ये भी था, ये किंग क्या सोचते थे, ये सोचते थे कि अगर ये जो मुग़ल हैं ये वापस सत्ता में आ जाते हैं, इनके पास पावर आ जाती है, तो हो सकता है कि हम भी अपनी टेरिटरी पर खुद रूल करें। द रिबेलियन स्प्रेड, अब इन्होंने देखा कि जो विद्रोह है ये फैल चुका है जगह जगह, तो अब देश के दूसरे हिस्सों से भी सपोर्ट में लोग विद्रोह करने लगे। नाना साहेब गैदर फोर्सेस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो ऐसे ही जो नाना साहेब थे पेशवा बाजीराव सेकंड के जो बेटे थे, अडॉप्टेड सन थे, इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए अपनी एक आर्मी फोर्सेस इकट्ठी की। तो दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई जॉइंड द रिबेल फोर्सेस अलोंग विद द तात्या तोपे, तो ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई ने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया, इस रिबेल फोर्स को ज्वाइन किया तात्या तोपे के साथ। मैनी न्यू लीडर्स ज्वाइन दिस रिवोल्ट, और उनके अलावा और भी बहुत से लीडर्स थे जिन्होंने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। ब्रिटिश फादर सन ऑफ अवध किंग वाजिद अली शाह बेगम हजरत महल, अब जो अवध के जो किंग थे उनकी टेरिटरी को हमने पढ़ा था सब्सिडरी अलायंस के तहत 1801 में, सब्सिडरी अलायंस के तहत अवध को
जो इसका हाफ पार्ट था वो अपने कंट्रोल में कर लिया था, लेकिन लास्ट में जब हमने देखा 1856 में इसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नमेंट लगा के, ये लगा के कि अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मिस गवर्न का लगा करके इसे अपने कंट्रोल में ले लिया था ब्रिटिशर्स ने, जिसकी वजह से वाजिद अली खां के जो सन थे ये ब्रिजिस कादर, इनमें भी काफ़ी विद्रोह था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो इन्होंने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। रानी अवंती बाई लोधी ऑफ रामगढ़, तो रामगढ़ से जो रानी अवंती बाई थी इन्होंने भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया अपने 4000 सोल्जर्स के साथ। अब भक्त खां वो जो सोल्जर फ्रॉम बरेली, अब बरेली से जो एक सोल्जर्स थे भक्त खां, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। कुंवर सिंह ऑफ बिहार, बिहार के जो ज़मींदार थे कुंवर सिंह, ये भी अपने कुछ सोल्जर्स के साथ, कुछ फोर्सेस के साथ इस रिवोल्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये भी ब्रिटिशर्स की काफ़ी पॉलिसीज से परेशान थे। द कंपनी फाइट्स बैक, अब जब कंपनी ने देखा कि हर तरफ से रिवोल्ट हो रहे हैं, सभी ईस्ट इंडिया कंपनी का अपोज कर रहे हैं, तो अब कंपनी ने पलटवार किया। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ब्रॉट री इन्फोर्समेंट फ्रॉम ब्रिटेन, कंपनी ने ब्रिटेन से बहुत से हथियार मंगाए, ब्रिटिश आर्मी मंगाई, लॉज वर पास टू कन्विक्ट द रिबेल्स इजीली, और ऐसे लॉ पास कर दिए गए जहाँ भी इन्हें शक होने लगा कि ये यहाँ पे विद्रोह कर सकते हैं, यहाँ पे दंगे फसाद हो सकते हैं, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया गया। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1857, और इसी के तहत इन्होंने दिल्ली को वापस रिकैप्चर किया 1857 में। लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर एंड हिज वाइफ वॉज सेंट टू द प्रिजन ऑफ रंगून वेयर द किंग डाइड इन 1852। जो लास्ट मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर और उनकी वाइफ, इन दोनों को रंगून जेल में डाल दिया गया, और ऐसे ही फिर ईयर 1852 में इनकी वहाँ डेथ हो गई। रानी लक्ष्मीबाई वॉज किल्ड इन 1858, और ऐसे ही युद्ध करते हुए 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई। और तात्या तोपे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एस्केप किया था फॉरेस्ट की तरफ, वहाँ पे जो ट्राइब्स रहते थे इन्होंने उनकी हेल्प ली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने में, अपनी आर्मी तैयार की, और ऐसे ही लड़ते लड़ते इनकी भी डेथ हो गई थी 1859 में। फाइनली ब्रिटिश टुक कंट्रोल ओवर लॉस्ट प्लेसेस, तो ऐसे लड़ते लड़ते ब्रिटिशर्स ने जिन हिस्सों पर, जिन जगहों पर ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल खो दिया था वो इन्होंने वापस पा लिया। ट्राई टू विन बैक लॉयलिटी ऑफ लैंडलॉर्ड्स बाय ऑफरिंग देम रिवॉर्ड्स, और अब ये क्या चाहते थे कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी इस रिवोल्ट का पार्ट थे, तो अब इन्हें उनकी लॉयलिटी वापस चाहिए थी, तो इसके लिए उन्होंने इन्हें रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर दिया। रिबेल्स, राजाज, नवाब्स वर ट्राइड एंड हैंग, तो जितने भी जो अपोज कर रहे थे रिवोल्ट में, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो राजा महाराजा हो, किंग हो, पीजेंट्स हो, सबके अगेंस्ट केस चलाए गए, और लास्ट में सबको फांसी की सज़ा सुनाई गई। आफ्टर मैथ ऑफ 1857, अब 1857 में जो इतना बड़ा विद्रोह हुआ, तो कंपनी ने इसके बाद क्या डिसाइड किया कि कुछ पॉलिसीज बनाई कंपनी ने। द एक्ट ऑफ 1858 पास्ड पावर टू द क्राउन, 1858 एक्ट पास किया गया, इसके तहत क्या हुआ कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास कोई पावर नहीं है, पावर सारी चली गई क्वीन के पास, जो ब्रिटेन की क्वीन है उनके पास। गवर्नर जनरल वॉज नाउ नोन एज वायसराय, अब जो पहले ब्रिटिशर्स की पोस्ट होती थी, गवर्नर जनरल की एक पोस्ट होती थी, उसको क्या नाम दे दिया गया, वायसराय। अब गवर्नर जनरल पोस्ट नहीं रहेगी कोई। किंग्स वर अलाउड टू रूल अंडर सुप्रीमेसी ऑफ क्वीन ब्रिटेन, अब जो किंग्स हैं वो अपनी लैंड पर खुद रूल करेंगे, अपनी टेरिटरी पर खुद रूल करेंगे, लेकिन जो मेन पावर होगी वो कौन होगी, क्वीन ऑफ ब्रिटेन। रेशियो ऑफ ब्रिटिश सोल्जर इंक्रीज इन द ब्रिटिश आर्मी, और अब इतना बड़ा रिवोल्ट देखा तो ब्रिटिशर्स ने क्या नोटिस किया कि अगर हमारी आर्मी में हम इंडियंस को कम रखें और ब्रिटिशर्स को ज़्यादा रखेंगे तो वो हमसे सेटिस्फाई भी होंगे, और फ्यूचर में कभी ऐसी रिवोल्ट की कंडीशन नहीं बनेगी, इसीलिए उन्होंने जो ब्रिटिश सोल्जर थे उनके रेशियो को ज़्यादा रखा। सिख, गुरखाज एंड पठान वर प्रेफर्ड फॉर द आर्मी,
अब उन्होंने अपनी आर्मी में सिख गुरखाज और पठान को ज़्यादा रखना स्टार्ट किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो अवध और बिहार के जो लोग थे वो ही इस रिवोल्ट का मेन रीज़न थे। लैंड ऑफ मुस्लिम्स वर टेकन अवे, कहीं ना कहीं कंपनी को ये भी लग रहा था कि ये जो रिवोल्ट हुआ है इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो मुस्लिम्स थे उनका सबसे बड़ा हाथ था, तो अब वो मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे थे, उनकी लैंड उनसे छीन रहे थे। ब्रिटिश स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग इंडियन कल्चर, अब ब्रिटिशर्स ने क्या स्टार्ट किया कि अगर हम उन्हें कि अब वो इंडियन कल्चर को रिस्पेक्ट करेंगे, मीन्स बुरा बिहेव नहीं, उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं मानेंगे तो उनके साथ बुरा बिहेव भी नहीं करेंगे। जमींदार्स वर गिवन राइट ओवर देयर लैंड, और जो ज़मींदार्स थे उन्हें ही लैंड का ओनर बना दिया गया, उनके पास लैंड के सारे राइट थे। तो आइए अब देखते हैं आज के चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। आज के चैप्टर में हमने डिस्कस किया है पॉलिसीज एंड द पीपल। इसमें हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने जो भी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की थी और उन पॉलिसीज़ को हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में देखा है, सब्सिडरी अलायंस हो या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, इनके तहत क्या हुआ था, कंपनी ने जो नवाब्स थी इनके टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो ये भी काफ़ी नाराज़ थे जिसकी वजह से इन्होंने भी रिवोल्ट में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पीजेंट्स एंड सिपॉयज, अब पीजेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम थी, इनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था और टैक्स के जो रेट होते थे वो भी बहुत ज़्यादा हाई होते थे, और सिपॉयज़ के साथ क्या हो रहा था कि इस तरह से लॉ बनाए जा रहे थे जिससे इनके रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे थे। रिस्पॉन्सेज टू द रिफॉर्म्स, इसमें हमने देखा कि कंपनी ने सती प्रथा को बंद करा दिया, विडो री मैरिज एक्ट पास कर दिया, तो जिसके जो इंडियन लॉ पीपल थे वो भी काफ़ी अपोज में थे। म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन, अब जो म्यूटिनी थी इन्होंने जो रिबेल किया था, विद्रोह किया था, ये भी बहुत ज़्यादा फैलता गया, पहले तो मेरठ से दिल्ली में फैला और फिर उसके बाद में देश के सभी हिस्सों में फैलता गया। द कंपनी फाइट्स बैक, जब हर तरफ से कंपनी का अपोज हो रहा था, कंपनी के लिए रिवोल्ट हो रहे थे कंपनी के विरुद्ध, तब कंपनी ने भी पलटवार किया और ब्रिटेन से अपनी आर्मी मंगवाई, नए नए वेपन्स मंगवाए और फिर जिन जगहों पर इनका कंट्रोल चला गया था वहाँ पे वापस कंट्रोल पा लिया। आफ्टर मैथ, इसमें हमने देखा कि इतना सब होने के बाद कंपनी ने कुछ समझा और नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की। उन पॉलिसीज़ में क्या था कि अब जो मेन पावर थी वो क्वीन विक्टोरिया के पास चली गई, एक पहले जो पोस्ट होती थी गवर्नर जनरल उसकी जगह अब वायसराय हो गए, ज़मींदार्स को लैंड का ओनर बना दिया गया और ब्रिटिश और जो आर्मी में ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनकी रेशियो को इंक्रीज कर दिया गया और ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया कि अब वो इंडियन कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 5 हिस्ट्री में, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।